very good evening to all of you. My name is Aman and you are watching YET Your English Tutor. आपका अपना YouTube चैनल जहाँ पे मैं हर रोज़ द हिंदू के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपकी इंग्लिश की स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, आपके दिमाग से इंग्लिश के डर को लगाने के लिए. इन द सेम प्रोसेस वी आर गोना टेक अप द सेकेंड एडिटोरियल ऑफ द डे, अ डेलिकेट बैलेंस विच इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली द पॉलिटिक्स ऑफ पोर्टुगल. तो पुर्तगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है. हिंदू के एडिटोरियल्स को तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट वाले से बहुत अच्छा है सेकेंड वाला, इसलिए वी आर गोना टेक अप दिस वन. तो चलिए शुरू करते हैं. एक बात जो मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ, रिपीट करूँगा आज भी, दीज सेशंस आर मेंट टू सप्लीमेंट योर स्टडीज़. जो आप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जानते हैं, रोज़ नया सीखते हैं, उसको सप्लीमेंट करने का काम करते हैं ये सेशंस. आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाई करने के लिए हर रोज़ आधा घंटा किसी स्टैंडर्ड इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए. दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू. कई बुक्स के नाम मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी पड़े हैं. यू कैन परचेज देम और यू कुड यू नो डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट फॉर फ्री. आप डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, अपने मोबाइल में पढ़ें, लैपटॉप में पढ़ें, परचेज करें, वट एवर यू डू, बट प्लीज़ रिफर टू अ स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर एवरी डे हाफ एन आवर. चलिए शुरू करते हैं फटाफट से एडिटोरियल को. अ डेलिकेट बैलेंस. बैलेंस तो आप जानते हैं ना, संतुलन. और डेलिकेट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो मतलब बहुत नाजुक हो ना, जो बहुत फ्रिजाइल हो. ये माइल्ड, सॉफ्ट, फ्रिजाइल, ये तीनों के तीनों डेलिकेट के सिनोनिम्स हैं. तो बड़ा नाजुक सा जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, किसी भी तरफ कभी भी जो लुढ़क जाए उसको कहते हैं डेलिकेट बैलेंस. तो ये कह रहा है पोर्टुगल की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे अभी डेलिकेट सा बैलेंस है. देखो इसकी समरी मैं आपको अभी दूंगा. लेट्स रीड द टाइटल पैराग्राफ फर्स्ट. मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ. देखो बैलेंस नाउन है, डेलिकेट जो है एडजेक्टिव है. इस बैलेंस को कर रहा है मॉडिफाई, इसकी क्वालिटी को बता रहा है. फिर भी इसके आगे एडजेक्टिव के आगे एक आर्टिकल लगा हुआ अ. देखो ये आर्टिकल जो ए है ना, ये इस बैलेंस को जो है इसके लिए लगा हुआ है. डिटरमाइनर बोलते हैं इसको अपने. तो ये डिटरमिन कर रहा है इसकी क्वांटिटी को, बैलेंस की. ये डेलिकेट तो इस बैलेंस को बीच में बताने के लिए एडजेक्टिव इसने लगा दिया. तो अपने जनरली ऐसा ही करते हैं जब नाउंस, काउंटेबल नाउंस इस तरह के होते हैं अपने पास, जिनके अपने आगे जो है आर्टिकल लगाना होता है, तो एडजेक्टिव को अपने आर्टिकल से पहले ना लेकर के आर्टिकल के बाद लिखते हैं. समझ रहे हो आपको? स्पोर्ट्स कार. अब स्पोर्ट्स कार है, एक है, तो मैं स्पोर्ट्स ए कार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अ स्पोर्ट्स कार. समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह से इसने अ डेलिकेट बैलेंस को यहाँ लिखा हुआ है. कह रहा है पोर्टुगल नीड्स. देखिए पुर्तगाल आप हिंदी बोलते हो, कोई बात नहीं, बोल लो हिंदी में, इंग्लिश में इसको पोर्टुगल बोला जाता है. तो कह रहा है पोर्टुगल नीड्स, अच्छा उसको क्या चाहिए? टू फाइंड अ वे ऑफ बूस्टिंग ग्रोथ विदाउट अफेक्टिंग वेलफेयर मेजर्स. शुरुआत में थोड़ा ईजी है, आगे जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. कह रहा है पोर्टुगल को जरूरत है फाइंड करने की, ये टूल आगे बता रहा है क्या जरूरत है, फाइंड करने की, ढूंढने की एक रास्ते को, वे को, वे को आप पाथ भी बोल सकते हैं, रास्ते को, पाथ को. और ये पाथ किस चीज़ का है? अब ऑफ लगा के बता रहा है, बूस्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को बूस्ट करने का. बूस्ट करना मतलब बढ़ावा देना, किसी चीज़ को पुश करना. और कैसे? विदाउट, बिना अफेक्टिंग वेलफेयर मेजर्स. जो वेलफेयर के मेजर्स हैं उनको अफेक्ट किए बिना. अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे इफेक्ट डालना, किसी चीज़ पे जो आप इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना बोलते हैं हिंदी में. तो बिना प्रभावित किए, बिना इन्फ्लुएंस डाले, बिना इफेक्ट डाले वेलफेयर मेजर्स के ऊपर. अब फटाफट आप समझो मेरे साथ, वेलफेयर मेजर्स क्या होते हैं? ऐसे मेजर्स, ऐसे कदम जो पब्लिक की भलाई के लिए हों, उनको कहते हैं वेलफेयर मेजर्स. एग्जाम्पल सब्सिडीज, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्कीम्स, फ्री में पब्लिक को खाना देना, फ्री में पब्लिक को जॉब्स देना, उनको कहते हैं वेलफेयर मेजर्स. वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो ग्रोथ के खिलाफ जाते हैं, इकोनॉमी को जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. अब इनको जरूरत है पोर्टुगल को एक रास्ता ढूंढने की जो कि वेलफेयर मेजर्स को अफेक्ट किए बिना ग्रोथ को बूस्ट कर पाए. समझ गए मेरी बात को? अब मैं सेंटेंस ही कर रहा हूँ, पार्सिंग फटाफट आप समझो किस वर्ड का क्या काम है. यहाँ पे पोर्टुगल यहाँ पे नाउन है, नीड्स इसकी वर्ब है. पोर्टुगल को एक सिंगुलर एंटिटी की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर है इसलिए एस लगाया हुआ है. टू प्रेपोजिशन है, बता रहा है फाइंड नाम की वर्ब को कनेक्ट करने के लिए, नीड्स टू फाइंड. और किसको फाइंड करना है? अवे, एक रास्ते को. ये भी एक नाउन है यहाँ पे, ए यहाँ पे डिटरमाइनर है. आर्टिकल ए के बाद कह रहा है यहाँ पे और प्रेपोजिशन लगा करके बूस्टिंग. बूस्टिंग मतलब एनकरेज करना, फर्दरिंग करना, एडवांसिंग, इंस्पायरिंग, इंस्टिगेटिंग एंड इंसाइटिंग. ये सब के सब वर्ड्स मैंने आपको बता चुका हूँ बूस्ट के, जो कि हैं सिनोनिम्स. अब यहाँ पे बूस्टिंग एज ए जेरेंड काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है. जेरेंड वो होते हैं
जब वर्ब के आई एन जी फॉर्म को एज ए नाउन हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं हम हमेशा प्रेपोजिशन के बाद, सिवाय प्रेपोजिशन टू के। चलिए, बूस्टिंग ग्रोथ के बाद यहाँ पे विदाउट, यहाँ पे प्रेपोजिशन है अफेक्टिंग, फिर से जेरेंट लगा रहा है। वेलफेयर मेजर्स, ऐसे मेजर्स जो कि वेलफेयर से रिलेटेड है, वेलफेयर एडजेक्टिव हो गया, मेजर्स आपका नाउन हो गया। सिर्फ पार्सिंग उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो दिमाग में किस वर्ड का क्या यूज़ हुआ है, कहाँ पे उनका कन्फ्यूजन निकल सके। एक कॉन्सेप्ट आपसे और मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप जनरली देखेंगे कि कंट्रीज़ को हम ट्रीट करते हैं प्लूरल एंटिटीज़ की तरह। इंडिया विन द मैच, साउथ अफ्रीका लूज द मैच, पर यहाँ पे पोर्टुगल नीड्स। तो कलेक्टिव नाउन्स का एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, आई बटन में डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देखें कब किस कलेक्टिव नाउन के साथ आपको एस यूज करना होता है, एज ए प्लूरल एंटिटी कब उसको यूज करना होता है, एज ए सिंगुलर एंटिटी कब उसको आपको ट्रीट करना होता है कलेक्टिव नाउन्स को। चलिए समरी बता देता हूँ फटाफट। पोर्टुगल में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए अभी भी पुर्तगाल में। इलेक्शंस होने के बाद क्या हुआ, जिस पार्टी ने पिछली बार सरकार बनाई थी उसी पार्टी को इस बार फिर से सरकार बनाने का मिल रहा है मौका। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछली बार उस पार्टी ने जिसका नाम था पीएस, उसने दो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। दोनों पार्टियों का नाम क्या कहता, बीई और पीसीपी, समझ गए मेरी बात को। तो कॉलिशन था बीएस बी और पीसीपी। अब ये दोनों बी जो पीसीपी जो है ना, ये इसको ऐसा समझो बड़ी मुश्किल से इसको जो दे रहे हैं वो अपना सपोर्ट। अब इसके पास बहुत सारे वोट आ गए इस साल, पिछली बार से ज़्यादा पीएस के पास, पर अभी फंसा अभी ये वहीं का वहीं है, इसके पास जो है सपोर्ट इसको लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, इसके जो सबसे बड़े लीडर हैं मिस्टर डिकोस्टा, बड़े समझदार लीडर हैं, दिक्कत ये है कि वो जो लीडर हैं उनको बैलेंस करना है अपने इन दोनों पार्टीज़ की मांगों को, बी और पीसीपी को, और कंट्री की ग्रोथ को जो कि गिरती जा रही थी पिछले कुछ दिनों से। अब वो करेक्ट डेलिकेट सा बैलेंस आ गया है, कभी पलड़ा इस तरफ जाएगा पलड़ा उस तरफ जाएगा, इनको मैनेज करना पड़ेगा। फटाफट शुरू करते हैं। पोर्टुगल सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट आर आइंग अ सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑफिस। देखिए मैंने आपको नाम बताया इस पार्टी का, सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया इसको, पोर्टुगल सेंट्रल लेफ्ट सोशलिस्ट को पीएस। अब आप पीएस को समझ लो एक पार्टी का नाम है ये। तो कह रहे पीएस आर आइंग, आइंग करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ की तरफ नज़र गड़ाना। आई मतलब नाउन, आई मतलब यहाँ पे आपने वर्ब की तरह यूज़ किया, मतलब नज़र गड़ाना, नज़र रखना। तो ये नज़र गड़ा रहे हैं, ये नज़र रख रहे हैं किस पे, अ सेकंड कंजेक्यूटिव टर्म पे। टर्म होती है टाइम ड्यूरेशन, कंजेक्यूटिव होती है एक के बाद एक जो सेकंड होती है मतलब दूसरी, दूसरी बार एक के बाद एक जो टर्म आ रही है इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर उसकी तरफ गड़ाए हुए नज़र। आगे लगा रहा है प्रपोजिशन आफ्टर को, कह रहा है आफ्टर सिक्योरिंग अबाउट 37% ऑफ वोट्स इन संडे इलेक्शन, सिक्योर करने के बाद, पा लेने के बाद लगभग अबाउट 37% ऑफ द वोट्स, टोटल में से इतने परसेंट इन संडेज इलेक्शन, संडे को जो इलेक्शंस हुए उनके अंदर। सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पे एक छोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आई का मैंने आपको बताया ना, आई तो नाउन होता है आँख, आई को जब आप वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हो ना तो मतलब किसी चीज़ की तरफ आँख जो है गड़ा देना, किसी चीज़ की तरफ देखना। यहाँ पे आइंग जो है एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, एज ए वर्ब यूज हुआ है। अगर मैं आइंग की जगह कुछ और लिखना चाहता तो मैं सिनोनिम्स आपको बता देता हूँ, गेजिंग, लुकिंग, आई बॉलिंग एंड स्टेयरिंग। यहाँ पे आइंग की जगह इन चारों में से कोई भी चीज़ को आप लिख दो बात एक ही रहेगी। कंसेक्यूटिव मैंने आपको बताया एक के बाद एक लगातार, अब ये मैंने ऐसा बताया क्यों आपको, इस वर्ड के पीछे जो आप उसको तोड़ करके चलो, कौन मतलब साथ में, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, एक के बाद एक जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं सीक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसका एक वर्ड होता है कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों को मैं जोड़ दूँ उसका मतलब होता है रिजल्ट, और कॉन्सिक्वेंस से ही बना है कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद जब एक की जो चीज़ें होती है ना, मतलब लगातार जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव। दो सिनोनिम इसके बहुत अच्छे, एनस्यूइंग एंड सक्सेसिव, दोनों को आप जो है इसकी जगह कर सकते थे यूज। चलिए आगे बढ़े, कह रहे बट लेकिन, अच्छा हुआ क्या, द रिगोरस ऑफ पुटिंग टुगेदर अ कॉलिशन ऑल ओवर अगेन मे हैव सोबर द सेंस ऑफ विक्ट्री। देखिए द रिगर्स, ये रिगर्स क्या होता है, डिफिकल्ट, हार्डशिप, डिफिकल्टी होती है ना उसको बोलते हैं रिगर्स। कह रहे लेकिन जो डिफिकल्टी है, जो मुश्किलात हैं, और किस काम की है, ऑफ लगा के बताएगा, पुटिंग टुगेदर, पुट टुगेदर करने की, पुट टुगेदर मतलब असेंबल करना, ब्रिंग टुगेदर करना, जोड़ देना या फोर्स कर देना, इन चारों का एक ही मतलब होता है। पर जो मुश्किलात हैं पुट टुगेदर करने की एक कॉलिशन को, कॉलिशन मतलब गठबंधन, और कैसे, ऑल ओवर अगेन,
फिर एक बार, ऑल ओवर अगेन मतलब शुरुआत से फिर एक बार। कह रहा मे हैव सोबर्ड द सेंस ऑफ विक्ट्री। अब यहाँ पे इस मे हैव जो है ना, इसका सब्जेक्ट आप ढूंढो, आपका सेंटेंस हो गया पूरा। ये जो रिग्रेस है ना, रिग्रेस इस चीज़ का रिग्रेस, ये मे हैव सोबर्ड, ये हो सकता है इसने सोबर कर दिया हो। सोबर करने का मतलब होता है ठंडा कर देना, शांत कर देना। इसने शांत कर दिया हो उस सेंस को, उस फीलिंग को जो कि है जीत की, विक्ट्री की। और किसके लिए शांत किया होगा? फॉर प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा, ये जो मिस्टर कोस्टा हैं इनके लिए। अब यहाँ पे ऐसे लगा दिया कोमा। अगर इतना सेंटेंस समझ गए तो आप आगे का समझो। कह रहा हु लीड्स ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो कि लीड करते हैं, आगे ले जाते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट को जो अल्पसंख्यक लोगों की है, माइनॉरिटी की है। माइनॉरिटी मतलब जिनका हिस्सा, जिनका शेयर पॉपुलेशन में कम होता है। पूरे सेंटेंस के पीसेस कर दिए, सब पीसेस को जोड़ रहा हूँ, देखो कितना सिंपल सेंटेंस है। जो रिगर्स हैं, जो पुट टुगेदर करने की, एक साथ लाने की डिफिकल्टीज हैं, एक कॉलिशन को, एक गठबंधन को फिर एक बार नए सिरे से, ऑल ओवर अगेन। हो सकता है मैं उन्होंने सोबर कर दिया हो, शांत कर दिया हो उस फीलिंग को, विक्ट्री की, जीत की, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, मिस्टर कोस्टा जिनका नाम है, जो कि लीड करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट को जो कि है माइनॉरिटी। समझ गए मेरी बात को? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इवन टू द स्टूडेंट्स हु आर बिगिनिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग द लैंग्वेज। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, रिगर्स के मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ चलिए, रिगर्स के सिनोनिम्स बता देता हूँ, डिफिकल्टी, हार्डशिप और तीसरा है स्ट्रिक्टनेस। तीनों का मतलब यही होता है रिगर्स। दूसरी चीज़ पुट टुगेदर, असेंबल कर दो किसी चीज़ को, फोर्स कर दो या ब्रिंग टुगेदर कर दो। ऑल ओवर अगेन के लिए एक अच्छी, बहुत बढ़िया idiom है अपने पास, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच idiom मतलब शुरुआत से एकदम, जब आप कोई काम शुरू करते हो, जो पहली स्क्रैच लगाते हो ना आप कुछ काम करते हुए किसी चीज़ पे, उसको कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, नए सिरे से शुरुआत करना। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ किया हमने? मिस्टर कोस्टा की बात कर रहे हैं, इंसान है, इंसानों के लिए जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है हम यू हु यूज़ करते हैं। कह रहे द सोशलिस्ट हैव इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी, तो जो सोशलिस्ट हैं वो इमर्ज हुए हैं। हैव इमर्ज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ काम हो चुका है। इमर्ज हो चुके हैं मतलब उबर करके आ चुके हैं। कैसे आए हैं? अब ये एज लगा के बता रहा है, इस तरह से आए हैं। कैसे? द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी की तरह। द लार्जेस्ट क्यों लिखा है? लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री है, लार्ज लार्जर, द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द लगाएंगे इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा। आगे इसे लगा दिया कोमा। कह रहा अनलाइक इन 2015, बिल्कुल उल्टा 2015 से। अच्छा 2015 में क्या हुआ, अभी कोमा लगा के बताएगा। व्हेन द सेंटर राइट सोशल डेमोक्रेट, जब ये वाली पार्टी सेंटर राइट सोशल डेमोक्रेट, पूरा नाम इसका जो इसने बता दिया, छोटा नाम है PhD, जब PhD जो है फेलियर प्रेजेंटेड देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर्ज अ कॉलिशन, जब PhD के फेलियर ने, नाकामयाबी ने प्रेजेंटेड देम, उनको प्रेजेंट किया, एक ऑफर ला करके दिया, किसका? एक अपॉर्चुनिटी का, एक मौके का, और वो मौका था फोर्स करने का एक कॉलिशन को। कॉलिशन मतलब गठबंधन। अब ये लाइन अपनी ट्रांसलेट तो हो गई, पर इसके पीछे एक मीनिंग है, अगर आप उसको नहीं समझोगे ना तो इस पूरी लाइन को आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। कह रहा है सोशलिस्ट जो है इमर्ज हुए इस बार सबसे बड़ी पार्टी की तरह, और ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक उल्टा है 2015 के इलेक्शन से, जब ये वाली पार्टी, कौन सी? PhD, इसकी नाकामयाबी ने इनको प्रेजेंट किया एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी कि ये फोर्स कर पाएं एक कॉलिशन को। मतलब 2015 के इलेक्शन के अंदर ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं थे, सबसे बड़ी पार्टी थी PhD, और इसकी नाकामयाबी थी सरकार बनाने की, इस वजह से जो सोशलिस्ट को 2015 में मिला था सरकार बनाने का मौका। इस साल अनलाइक 2015 दे आर द लार्जेस्ट पार्टी, दे हैव इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता ही है, आपको लाइंस के बीच में रीड करना पड़ेगा। RC के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जनरली जो है आप जो अपना सर खुजाने लगेंगे। द सोशलिस्ट मेन कॉलिशन पार्टनर, देखिए सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट लोगों का, एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, मतलब हम प्लूरल किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, उसका पजेसिव नाउन बना रहे हैं। द सोशलिस्ट मेन कॉलिशन पार्टनर, इनका सबसे बड़ा कॉलिशन पार्टनर, सबसे बड़ा गठबंधन का दोस्त। द एंटी कैपिटलिस्ट लेफ्ट ब्लॉक, अब ये BE है पार्टी का नाम, ये पूरा नाम तो आपने देख लिया, आप छोटा नाम याद रखो BE। कह रहा हैज हेल्ड ऑन टू इट्स सीट, देखिए हैज प्लस में होल्ड ऑन वर्ब की थर्ड फॉर्म, होल्ड ऑन मतलब पकड़ के रखना, फ्रेजल वर्ब है ये। अब BE की बात कर रहा है ये, इसने पकड़ बना करके रखी है, हैज हेल्ड ऑन
टू इट्स सीट, अपनी सीट्स के ऊपर। जो पिछले साल जो सीट जीती थी इस साल भी उन सीट्स को जीता है। अब इसे लगा दिया कॉमा, कह रहा वाइल द कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी PCP, कह रहा वाइल द PCP हैज लॉस्ट अ फ्यू, जहां या जबकि PCP ने थोड़ी सी जो है लॉस्ट कर दी है, लूज कर दी है, अ फ्यू मतलब कुछ एक, समझ गए मेरी बात को। दो इसके जो दोस्त थे बी और PCP जिनके साथ इसने सरकार बनाई थी, एक ने तो अपनी सीटों को बचा करके रखा इस बार, दूसरे ने PCP ने खो दी है अपनी कई सीटों को। अ फ्यू फ्यू दोनों में फर्क मैं आपको बता चुका हूँ। अ फ्यू के आगे से अभी मैं ए निकाल दूँ तो ये खाली फ्यू रह जाएगा, उसका मतलब होगा ना के बराबर। अ फ्यू मतलब कुछ एक, ना के बराबर नहीं, कुछ एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू पार्लियामेंट्री अर्थमेटिक अपीयर्स एडवांटेजियस टू सोशलिस्ट, लगा दिया कोमा, कह रहे द न्यू, ये जो नहीं है पार्लियामेंट्री अर्थमेटिक, अर्थमेटिक क्या होती है, कैलकुलेशन। आप अर्थमेटिक पढ़ते हो ना, तो ये जो पार्लियामेंट से रिलेटेड अर्थमेटिक है, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव अर्थमेटिक नाउन, कह रहे अपीयर्स एडवांटेजियस, ये अपीयर होती है, अपीयर होने का मतलब क्या है, दिखाई देती है, और कैसी, एडवांटेजियस रिलेटेड टू बेनिफिट्स, एडवांटेजेस का मतलब है आपके लिए जो बेनिफिशियल हो, प्रॉफिटेबल हो। अब ये कैसे दिखाई देती है और किसको प्रॉफिटेबल दिखाई देती है, ये लगा रहा है टू लगा के बताएगा, द सोशलिस्ट, अब के जो ये सोशलिस्ट पार्टी है उनको, कोमा लगा रहा है, बट इट मे नॉट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू ग्रेटर पॉलिटिकल लेवरेज, लेकिन बट यहाँ पे कंजंक्शन है बट, जो दो क्लॉजेस को जोड़ रही है, कह रहा है बट लेकिन इट मे नॉट, हो सकता है ये ना करे, क्या ऑलवेज हमेशा, कन्वर्ट इंटू बदल जाना, चेंज इंटू टर्न इंटू बदल जाए, ग्रेटर और बड़े पॉलिटिकल लेवरेज में, पॉलिटिकल प्रॉफिट में। देखो लेवरेज क्या होता है, सपोर्ट या एडवांटेज को हम बोलते हैं लेवरेज। आप पूरा सेंटेंस मेरे साथ समझो, फिर मैं आपको लेवरेज एक पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आप समझोगे लेवरेज क्या होता है। जो नई अभी गणित आई है ना, अर्थमेटिक आई है, दिखाई देती है वो बेनिफिशियल होगी सोशलिस्ट वाली पार्टी के लिए, कौन सी पार्टी, कोस्टा वाली, कोस्टा की पार्टी को। लेकिन ये कह रहा है कि ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो एडवांटेजेस कंडीशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएं ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल गेन में, लेवरेज में, सपोर्ट में। अब ये लेवरेज क्या होती है, फटाफट मेरे साथ देख लो, नहीं भूलोगे। देखो ये होती है लेवरेज, मैं अब इस जो है ना, ये देख रहे हो ना आप इसको, इधर से मैं इसको दबा दूँ तो ये उधर वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, मतलब मुझे किसी अपने मोटिव को ऊपर लाना हो, मुझे अपने किसी इच्छा को जो है पूरा करना हो, तो मैं दूसरी तरफ से उसको जो है इस तरह से जो है ना उसको पुश करता हूँ, इस तरीके से, देख रहे हो, ये होती है लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब क्या होती है, एडवांटेज, ऐसी एडवांटेज जो आपको ऊपर उठा दे उसको कहते हैं लेवरेज, समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कोलिशन टुक शेप अमंग द थ्री पार्टीज सम वीक्स आफ्टर 2015 इलेक्शंस, अब ये 2015 के इलेक्शंस की बात कर रहा है, कह रहा है व्हेन, जब द कोलिशन, वो गठबंधन, द क्यों लगाया, हम स्पेशल कोलिशन की बात कर रहे हैं इन तीन पार्टीज के बीच में, टुक शेप, उसने शेप ली, शेप लेने का मतलब क्या है, जब वो डेवलप हुआ, अच्छा कब, किन के बीच में, अमंग द थ्री पार्टीज, इन तीनों पार्टियों के बीच में, मैंने आपको नाम बताया था ना तीनों पार्टीज का, जब 2015 में ये कोलिशन ने टुक शेप की, शेप ली, डेवलप हुआ इन तीन पार्टीज के बीच में, और कब हुआ, सम वीक्स आफ्टर द 15 इलेक्शंस, 15 के इलेक्शंस के कुछ वीक्स के बाद, कह रहा इट वॉज, कोमा लगा के, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एट जेरी गोंगा, ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पोर्टुगीज वर्ड है, इसका इन्होंने इंग्लिश जो है ना काउंटर पार्ट इन्होंने मैं बताया है, तो ये वर्ड भले ही मत आप याद रखो, पोर्टुगीज वर्ड है, इसका इंग्लिश पार्ट काउंटर पार्ट क्या है, एन अनलाइकली कॉन्ट्रैप्शन, तो जेरिंग गोंगा, इसका जो अनलाइकली कॉन्ट्रैप्शन जो है इसका सिनोनिम है, इसका मीनिंग है, कह रहे इन्होंने डिस्क्राइब किया 2015 में इस कोलिशन को एज ए जेरिंग गोंगा, इसका मतलब होता है अनलाइकली कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत अनसेफ हो, बहुत एक जुगाड़ होता है ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन, ऐसा चीज़ जो अनसेफ हो, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और शायद किसी काम भी ना आए, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन के लिए भी मैंने अलग से निकाल करके रखा है गूगल इमेजेस को, देखिए ये देख रहे हो, ये कॉन्ट्रैप्शन, ये मशीन देख रहे हो, किस काम आएगी मशीन, ये किस काम आएगी मशीन, किसी काम नहीं आने वाली है, अनसेफ भी है, हो सकता है किसी को शॉक लग जाए इस मशीन से, चोट लग जाए। तो ये कह रहे थे 2015 के अंदर कि इन्होंने जो बनाया है ना वो कॉन्ट्रैप्शन ही है, ना तो किसी के काम आएगा, उल्टा जो है कंट्री का नुकसान भी कर देगा। द टू लेफ्ट विंग पार्टीज बैक्ड अ मिनोरिटी PS गवर्नमेंट ओनली ऑन द लेटेस्ट प्रॉमिस, अब ये बाकी की दो पार्टीज की बात कर रहा है,
BE और PCP की। कैरेट टू, ये दोनों लेफ्ट विंग पार्टीज, ये लेफ्ट विंग राइट विंग मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेफ्टिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग लिबर्टी में विश्वास रखते हैं, राइट विंग वो होते हैं जो पुराने ख्यालों में विश्वास रखते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो कह रहे ये दोनों लेफ्ट विंग पार्टियाँ BE और PCP कह रहे पार्टीज ने बैक किया। बैक करने का मतलब क्या है? सपोर्ट करना। और किसको? अ माइनॉरिटी PS गवर्नमेंट को, PS गवर्नमेंट जो है और जो कि माइनॉरिटी में थी। और किस लिए किया? ओनली ऑन द लेटर्स प्रॉमिस, सिर्फ लेटर के प्रॉमिस पे। प्रॉमिस आप जानते हैं वादा, और ये लेटर का मतलब होता है चिट्ठी। देखिए चिट्ठी का लेटर और ये लेटर दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस है LETTER होती है चिट्ठी, LATER होता है बाद वाला। लेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसकी मैंने बाद में बात की है ना उसका प्रॉमिस। अब मैंने किसकी बाद में बात की है? पहले बात की है टू विंग पार्टीज की, बाद में बात की है PS गवर्नमेंट की। तो PS गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, समझ गए मेरी बात को? ये चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, PS गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये इतना समझो फिर आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन दोनों पार्टीज ने जो कि लेफ्ट विंग की थी, बैक किया PS की गवर्नमेंट को जो कि माइनॉरिटी वाली थी, सिर्फ एक प्रॉमिस पे, PS गवर्नमेंट के लेटर के। और प्रॉमिस था, टू लगा के बताएगा, एंड द ऑस्टेरिटी पॉलिसीज ऑफ सेंटर राइट एडमिनिस्ट्रेशन, खत्म करने का उन ऑस्टेरिटी पॉलिसीज को जो कि सेंटर राइट का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पहले लगा चुका था। सेंटर राइट की गवर्नमेंट जो पहले थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऐसी पॉलिसियां ऑस्टेरिटी की लगाई थी उनको हटाने का। अभी ऑस्टेरिटी आप समझ लो मेरे साथ, आप समझ जाओगे क्या मतलब होता है इसका। ऑस्टेरिटी के दो मीनिंग होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ बींग स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब कंजूस। जब आप एक किसी हर्मिट के जैसे हो जाओ ना, किसी तपस्वी बोलते हैं हिंदी में, तो आप हो जाओगे ऑस्टेरिटी वाले आदमी, ऑस्टियर हो जाओगे आप। ऑस्टेरिटी मेजर्स या ऑस्टेरिटी पॉलिसीज जब गवर्नमेंट लगाती हैं तो वो क्या करती हैं? वो सरकारी खर्चे को कम कर देती हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स के अंदर आपकी गैस की सब्सिडीज बंद हो जाएंगी, आपको किसी भी तरह का कोई पेंशन मिलती हो किसी की पेंशन बंद हो जाएगी, नरेगा के अंदर अगर आपको पैसे 300 रुपये मिलते हैं तो 150 रुपये देना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट अपने खर्चे को बंद करना जो है कम कर देगी खर्चे को, उसको कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। ऑस्टेरिटी मेजर्स हमेशा पब्लिक को खराब लगते हैं, हालांकि इकॉनमी के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। तो इन्होंने यही प्रॉमिस दिया था कि जब पिछला प्रशासन लगा के गया है इनको मैं हटा दूंगा। करे दिस टाइम अराउंड मतलब अब की बार। अच्छा क्या हुआ अब की बार? कोमल बता रहे हैं कंडीशंस आर मार्केटेडली डिफरेंट। जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो मार्केटेडली डिफरेंट हैं। डिफरेंट तो आप समझते हैं अलग, और मार्केटेडली का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप मार्क कर पाओ, ऐसी चीज़ जो नोटिसिबल हो, एविडेंट हो, अपरेंट हो, जाहिर हो। मार्केटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, इस डिफरेंट नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिए, एडवर्ब्स का यही काम होता है। इस बार कंडीशंस जो हैं मार्केटेडली डिफरेंट हैं, बहुत अलग हैं इस बार की कंडीशंस। अब कैसे? ये फिर से ये बताएगा कॉमा लगा के, विद अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 6% के साथ ही, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के लगभग 6% के पास आसपास, और क्या, एंड पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एक पॉजिटिव आउटलुक जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे रही हैं। देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जो आपके गवर्नमेंट दुनिया भर के बैंक्स को जो है रेटिंग देती हैं, और रेटिंग देकर के बताती हैं कि कौन सा बैंक कितना हेल्दी है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस बार पॉजिटिव आउटलुक दे दिया पोर्टुगीज के बैंक्स को, पोर्टुगीज की कंपनीज को। अब ये आउटलुक क्या होता है? आउट मतलब बाहर, लुक मतलब देखना। आप अपने विंडो से बाहर देखो अभी, मैं अभी 27th floor पे हूँ मानो, तो अपनी विंडो से बाहर देखूंगा तो जो मुझे दिखेगा वो दिखेगी बड़ी तस्वीर, लार्जर पिक्चर को बोलते हैं आउटलुक। तो ऐसे इस बार जो है ना कंडीशंस डिफरेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, लार्जर आउटलुक जो है बड़ा अच्छा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से। मिस्टर कोस्टा हैज कमिटेड टू मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन। देखिए मिस्टर कोस्टा हैज कमिटेड, वो कर चुके हैं कमिट। कमिट करना मतलब किसी चीज़ का वादा कर देना, और किस काम को कमिट किया इन्होंने? कमिट टू एक EDM होती है, मिस्टर डिकोस्टा ने, कोस्टा ने कमिट टू कर दिया है, EDM को पूरा कर दिया है। क्या? मेंटेन करने को फिस्कल डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन अनुशासन, फिस्कल रिलेटेड टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। एक तो उन्होंने किया ये कमिटमेंट, और दूसरा क्या किया अगला बता रहा है, अ सरप्लस बजट टू कुशन लिस्बन फ्रॉम द रिस्क ऑफ ए ग्लोबल रिसेशन। एक सरप्लस बजट को कमिट किया इन्होंने, सरप्लस मतलब एडिशनल बजट आप जानते हैं, और ये काम किस लिए लाएगा ये सरप्लस बजट? कुशन करने के लिए, कुशन मतलब कंफर्ट देना, आराम देना, और किसको? लिस्बन को। लिस्बन कौन है?
पोर्टुगल की कैपिटल, और किससे, रिस्क से, जोखिम से, दुनिया भर में आने वाले ग्लोबल रिसेशन से, रिसेशन होती है स्लो डाउन या मंदी, समझ के बड़ी बात को। मिस्टर डिकोस्टा ने कमिट किया कि मेंटेन करेंगे फिस्कल डिसिप्लिन को इस बार, और एक सरप्लस बजट को भी कमिट किया लेकर के आएंगे जो कि आराम देगा पूरे के पूरे पोर्टुगल को उस रिस्क से, जोखिम से जो है ग्लोबल रिसेशन का, दुनिया के आर्थिक मंदी का। अब देखने की चीज़ यहाँ पे क्या है, कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट यूज़ किया हुआ है। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी हो तो अभी जाकर के देखें। कुछ फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद टू के, जो अपने लास्ट में टू रखती हैं और उसके बाद फिर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करती हैं रादर देन द बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जैसे कि ये कौन कौन सी है, मैंने आपको कल भी बताई थी, अपोज टू, कमिटेड टू, विद अ व्यू टू, अप्रोच टू, टर्न द अटेंशन टू, ये सब के सब जो है ना अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगी। सरप्लस में देखो, सर प्लस, प्लस मतलब ज़्यादा, सर मतलब ऊपर से, सर हमेशा जब भी रूट जो किसी के आगे लगेगी मतलब ऊपर से थोड़ा और ज़्यादा, सर प्लस मतलब अपने आप में एडिशनल, क्वेश्चन होता है आराम, आप इसको रिलीफ बोल सकते हो, कम्फर्ट बोल सकते हो, कम्फी बोल सकते हो, रिसेशन को आप बोल सकते हैं स्लो डाउन। कह रहे हैं आगे, वाइल द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए 0% बजट डेफिसिट मे होल्ड सम अपील इन यूरोपियन यूनियन सर्कल्स, यहाँ पे लगा दिया कोमा, कह रहा है वाइल, जहाँ द प्रॉस्पेक्ट, वो आशा, प्रॉस्पेक्ट क्या होती है, किसी काम से होने वाली आपको जो एक्सपेक्टेशन है, कह रहे ये जो प्रॉस्पेक्ट है ना एक 0% बजट डेफिसिट का, बजट डेफिसिट क्या होता है, आपके एक्सपेंडिचर और आपकी जो अर्निंग है दोनों हो जाए बराबर, तो जब दोनों बराबर होंगी तो बीच में 0% जो होगा डिफरेंस, कह रहे ऐसा जो प्रोस्पेक्ट है 0% बजट डेफिसिट का, वो मे कर सकता है वो काम, कुछ क्या कर सकता है, मे लगा के बता रहा है, होल्ड सम अपील, होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है थोड़ी सी अपील को, अपील होती है अट्रैक्टिवनेस, और किन के लिए, इन यूरोपियन यूनियन सर्कल्स, यूरोपियन यूनियन के सर्कल में, EU नाम की जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर ये बड़ी अपीलिंग चीज है 0% बजट डेफिसिट, कह रहा वाइल, जहाँ ये तो हो सकता है, अब लगा दिए कोमा, कह रहा द सोशलिस्ट अलाइज आर कंसर्नड अबाउट मिस्टर कोस्टास एविडेंट शिफ्ट इन स्टैंस, जो सोशलिस्ट के अलाइज है ना, जो इसके दोस्त हैं इस कोस्टा की पार्टी के, वो कंसर्न है, वो चिंतित है, वो परेशान है, किस बारे में, मिस्टर कोस्टा का जो शिफ्ट लिया ना उसने अपने स्टैंस में, शिफ्ट मतलब थोड़ा सा बदलाव करना, स्टैंस मतलब पोजिशन, पोस्चर, और जो एविडेंट है, जाहिर है, क्लियर है, अपरेंट है, समझ गए मेरी बात को, कह रहे हैं कि ये जो 0 बजट डेफिसिट है अच्छा लगेगा इसके अलाइज को, पर वो इससे खुश नहीं है, वो एक चीज़ से परेशान है इसके अलाइज, इसके गठबंधन वाले दोस्त, कि मिस्टर कोस्टा शिफ्ट मार रहे हैं अपने स्टैंस में, अपनी बातों में थोड़ा चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, और बड़ा एविडेंट है वो चेंजेस देखने के अंदर, एविडेंट एडवर्ब है इस जो शिफ्ट इन स्टेंस, जो यहाँ पे शिफ्ट नाम की वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करती हैं एडवर्ब्स, कह रहे अब ये कौन सा शिफ्ट आगे बताएगा, द बी हैज नॉट गारंटेड सपोर्ट फॉर मिस्टर कोस्टा, अब पहली पार्टी की बात कर रहा है, दो अलाइज है ना, तो पहला अलाइज जो है बी, कह रहे जो बी है ना उसने हैज नॉट गारंटेड, नहीं गारंटी दी है सपोर्ट देने की मिस्टर कोस्टा के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज गारंटेड, बीच में लगा हुआ नॉट, आगे करिए कोमा लगा के, डिक्लाइन टू एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, और डिक्लाइन टू कर दिया, मना कर दिया उन्होंने, जवाब दे दिया एक्सेप्ट करने से ऐसी पोजीशंस, ऐसे पदों को, ऐसे डेजिग्नेशंस को जो कि हैं मिनिस्ट्रियल, मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर की पोजीशंस को, और क्या कर दिया, एंड इंस्टेड ऑफर्ड बैकिंग बेस्ड सोनली ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, और इंस्टेड बजाय इसके ऑफर कर दी बैकिंग, सपोर्ट बेस्ड होगा जो आधारित होगा सोल्डली, खाली खाली, मेयरली स्पेसिफिक इश्यूज पे, कुछ जो है चुनिंदा मुद्दों के ऊपर, देखो अपनी कंट्रीज में ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हो आप, मिनिस्ट्रियल पोजीशंस को लेने से मना कर दिया बी वालों ने, दूसरी पार्टी ने, और क्या सपोर्ट भी नहीं दे रहे हम आपको, पर फिर भी हम कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे आपको बैक करने वाले हैं क्योंकि देश के हित में, भलाई के अंदर है, ऐसी यहाँ की पॉलिटिक्स है। द पार्टी हैज सेड, पार्टी ऐसा कह चुकी है, सेड क्या कह चुकी है, दैट, वो ये बताएगा दैट लगा के, इट वुड एडवोकेट फॉर एन इंक्रीज इन मिनिमम वेज, देखो ये स्पेसिफिक इश्यूज की बात कर रही है, कह रहा है ये पार्टी ऐसा कह चुकी है कि एडवोकेट करेगी, एडवोकेट मतलब वकालत करना किसी चीज के बारे में, आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना, और एडवोकेट किस चीज के लिए करेगी, इंक्रीज करने के लिए मिनिमम वेज को, मिनिमम वेज आप जानते हैं ना, जिस कम वेज के ऊपर, जिससे कम के ऊपर आप किसी को मजदूरी नहीं करवा सकते, मिनिमम वेज, अच्छा और कहाँ एडवोकेट करेगी,
रोल बैक ऑफ पेंशन कट्स, पेंशन पे जो कट्स लगे उनको रोल बैक करने पे। रोल बैक करना मतलब किसी किए हुए काम को, किसी एक्शन को वापस ले लेना, टेक बैक और कैंसल। तो पेंशन में जो कट्स आए हैं उनको रोल बैक करने के लिए एडवोकेट करेगी, और क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट्स टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर लेबर लेजिस्लेशन। ये एडवोकेट करेगी इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से, और दूसरे लेबर लेजिस्लेशंस को, अदर लेबर लेजिस्लेशन। यहाँ पे लेजिस्लेशंस होना चाहिए था एक्चुअल में, अदर लगाया साथ में, एक्चुअल में कई सारे लेजिस्लेशन यहाँ पे जो है सेंस निकलता है। अब पूरा सेंटेंस मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, सिंपल सा सेंटेंस है, पार्टी ने बोला कि ये एडवोकेट करेगी, वुड एडवोकेट, वकालत करेगी इंक्रीज करवाने का मिनिमम वेज में, पेंशन में जो कट लगे उनको रोल बैक करवाने का, उन कटों को वापस लेने का, और इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कॉम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, और दूसरे ऐसे मजदूरी से रिलेटेड लेजिस्लेशंस को, कानूनों को इनेक्ट करवाने के लिए। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, फाइट करना, डील विद करना, ग्रैपल विद करना, टैकल करना, चारों के चारों इसके हैं सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कोस्टा, अब लगा दिए कोमा, पॉसिबली एक्सपेक्टिंग अ मोर असर्टिव बी, कह रहा मिस्टर कोस्टा पॉसिबली लाइकली ऐसा संभावित है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक मोर और ज़्यादा असर्टिव बी को। बी दूसरी पार्टी का नाम है, कोस्टा अलग पार्टी के आदमी है, कह रहा मिस्टर कोस्टा जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा असर्टिव बी को। असर्टिव कौन होता है, बोल्ड, एग्रेसिव, कह रहा हैड कॉशन वोटर्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे हैड का सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी सेंटेंस आप समझ पाओगे। मिस्टर कोस्टा इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस हैड नाम की ऑक्सिलरी वर्ब, ये बीच का इसे अपोजिशन है, इसको आप रख दो साइड में। कह रहा है मिस्टर कोस्टा ने कॉशन किया था, अब कॉशन देने का मतलब क्या है, वार्निंग देना, उन्होंने चेताया था वोटर्स को अगेंस्ट किस चीज़ के खिलाफ, उस रिस्क के खिलाफ, जोखिम के खिलाफ जो कि था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी मतलब असंतुलन, गिर के ढह जाना, पॉलिटिकल मतलब सियासी। अब यह लगा रहा आगे हाइफन, कैसे इसने कॉशन किया ये बताना चाह रहा है हाइफन लगा के, ड्रॉइंग कंपेरिजन विद द इम्पैस इन नेबरिंग स्पेन, ड्रॉ करते हुए कंपेरिजन को, जो है तुलनात्मक, जो है ना कंपेरिजन क्या होता है, किसी से कंपेरिजन ना, तुलना करना, तुलनात्मक कंपेरिजन करते हुए, तुलना करते हुए इम्पास की, उस डेडलॉक की, इम्पास होता है डिफिकल्ट पोजीशन, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे ना इस पार ना उस पार आप फंस जाते हो बीच में, जो हो रहा है नेबरिंग स्पेन में। इसने पड़ोस की कंट्री स्पेन के अंदर जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना उसके साथ अपना कंपेरिजन ड्रॉ कर दिया कि देखो तुम्हारे साथ भी ये हो जाएगा। अब इसने फिर लगा दिया यहाँ पे हाइफन, कह रहा है इफ द सोशलिस्ट वर नॉट हैंडेड अ मेजोरिटी, अगर सोशलिस्ट जो है वर नॉट हैंडेड, उनको हैंडेड नहीं होती, उनको नहीं थमा दी जाती एक मेजोरिटी को। सेंटेंस बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, एक बार देखो फिर से समझ जाओगे। मिस्टर कोस्टा, ये बीच का मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ो, हैड कॉशन्ड, उन्होंने वार्निंग दी थी अपने वोटर्स को उस चीज़ के खिलाफ, किस चीज़ के खिलाफ, रिस्क के खिलाफ जो कि हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, सियासी असंतुलन का। अब यहाँ पे इसने कैसे कॉशन किया, इन्होंने ड्रॉ कर दिया कंपैरिजन, तुलना करने लगे ये उस इम्पैस की, उस डिफिकल्ट सिचुएशन की जो पड़ोसी नेबरिंग स्पेन में चल रही है अभी। और क्या किया इन्होंने, कह रहा है इफ, अगर द सोशलिस्ट, इसकी जो पार्टी है कोस्टा की, सोशलिस्ट वर नॉट हैंडेड, अगर ये हैंड नहीं दिया गया इनको, थमाई नहीं गई अ मेजोरिटी, इन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया, आपने मेजोरिटी हमें नहीं दी ना, तो देख लेना जो स्पेन में हो रहा है अभी आपके साथ भी हो सकता है यहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर। यहाँ पे देखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, पॉसिबली एडवर्ब है, एक्सपेक्टिंग नाम की वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, असर्टिव के अग्रेसिव और बोल्ड दो सिनोनिम्स होते हैं, ड्रॉ कंपेरिजन, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने एक जो है स्ट्रक्चर को पकड़ा, मैंने इसको अलग से लिख करके रखा है। आप इस तरह से दो तरह से जो है स्ट्रक्चर को आप यूज़ करते हो, ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, एक तो इस तरह से, और डो अ कंपेरिजन विद समथिंग, दूसरा इस तरह से। मैं दोनों सेंटेंसेस, दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। पीपल ऑलवेज ड्रॉ कंपेरिजन्स बिटवीन द प्रोफेशंस ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाई हैं अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो क्या कह रहा है कोई कि लोग हमेशा कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं, लोग हमेशा कंपेयर करते हैं बिटवीन दोनों के प्रोफेशंस के बीच में, और कौन है वो दोनों, दो भाई एक घर में रहते हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, पर प्रोफेशन अलग अलग है, तो लोग दो हैं जो हैं उनके कंपेरिजन करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंपेरिजन को। योर मदर वुड ड्रॉ कंपेरिजन विद द मार्क्स ऑफ नेबर्स डॉटर इफ यू डोंट गेट अ डिस्टिंक्शन, अगर आपने डिस्टिंक्शन नहीं ली, अगर 75% मार्क्स नहीं लाए, तो आपकी मदर जो है ना ड्रॉ कंपेरिजन विद कर देंगी, वो आपकी कंपेरिजन करने लगेंगी, तुलना करने लगेंगी आपके पड़ोसी की बेटी के मार्क्स के साथ। समझ गए मेरी बात,
इस तरह से जो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पे इसने लिखा ड्रॉ कंपैरिजन विद द इम्पैस इन नेबरिंग स्पेन। इम्पैस के दो चार सिनोनिम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेडलॉक बोलते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं, और बहुत अच्छा एक सिनोनिम है प्रेडिकमेंट। स्टेलमेट बोल सकते हैं जब शतरंज में दोनों राजा रह जाते हैं, और स्टैंड स्टिल खड़े हो एकदम स्टिल होकर के, ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। नाउ दैट द पोल्स आर बिहाइंड, नाउ दैट अब जब द पोल्स जो पोल्स हैं आर बिहाइंड रह गए हैं पीछे, अब जब पोल्स रह गए हैं पीछे मतलब पोल्स हो चुके हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द डेलीगेट टास्क ऑफ नेगोशिएटिंग विद सेम अलाइज इन द वीक्स अहेड। जो दो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर कोस्टा, उनके पास है क्या एक डेलीगेट टास्क, एक बड़ा नाजुक सा काम है निगोशिएट करने का, ऑफ लगाए जेरेंड यूज कर रहा हूँ वर्ब क्या एनजी फॉर्म, बातचीत करने का, मोल भाव करने का उन सेम अलाइज के साथ, उन सिमिलर दोस्तों के साथ इन द वीक्स अहेड, आने वाले वीक्स में जिनको पिछली बार अलाइ बनाया था, दोस्त बनाया था, उन्हीं के साथ इस बार भी उनको डेलीगेटली जो है टास्क मिला निगोशिएट करने का। अ गारंटी टू एश्यू द पास्ट द पैथ ऑफ प्यूनिटिव ऑस्टेरिटी कुड गो सम वे। यहाँ तक चलो फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहे एक गारंटी, अच्छा किस काम की, टूल का के बता रहा है एश्यू करने की। एश्यू करना क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, अबेंडन कर देना, अवॉइड कर देना, शन कर देना, सब सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं। अगर एक गारंटी मिले कि ये छोड़ देंगे उस पैथ को, रास्ते को, और किसको, प्यूनिटिव ऑस्टेरिटी का। ऑस्टेरिटी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट कंजूस हो जाती है, प्यूनिटिव मतलब किसी को पनिश करते हुए। अगर पनिशमेंट के हिसाब से कंजूस होने का रास्ता छोड़ देंगे, एश्यू कर देंगे, ऐसी गारंटी मिले तो कह रहे कुड गो सम वे, तो ये गारंटी जा सकती है सम वे। अब गो सम वे क्या होता है, कुछ आगे की तरफ प्रोग्रेस करवाना, कुछ सही दिशा में जाना, तो ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ले जाएगी, गो सम वे हो जाएगी। किस काम के लिए, अस्यूज द कंसर्न्स ऑफ बी एंड पीसीपी, कंसर्न्स को, चिंताओं को बी नाम की पार्टी और पीसीपी नाम की पार्टी के अस्यूज करने के। अस्यूज मतलब किसी चीज़ को शांत करना, मलम लगाना, मलम को बोलते हैं सैव, आपने मेरे साथ देखा था SALVE सैव। पैसिफाई भी अस्यूज करना होता है, मॉलीफाई भी होता है, एलिविएट भी होता है, मिटिगेट भी होता है, प्लेकेट भी होता है, सबका मतलब होता है शांत करना। समझ गए मेरी बात को, कह रहे ये गारंटी अगर ये दे देना ऑस्टेरिटी नहीं डालेंगे तो ये बहुत अच्छी जाएगी सही डायरेक्शन में इन दोनों पार्टियों की चिंताओं को शांत करने के लिए। मिस्टर कोस्टा शुड ऑल्सो एड्रेस द चार्ज, अब मिस्टर कोस्टा को शुड करना ही चाहिए ऑल्सो साथ ही साथ एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या है, संबोधित करना, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, द चार्ज उस चार्ज को, उस ब्लेम को। अब इन पे ब्लेम लगा, एक चार्ज लगा इन पे, आरोप लगा है क्या, दैट वो ये कि डिस्पाइट हिज एंटी ऑस्टेरिटी ड्राइव, बावजूद उसकी एंटी ऑस्टेरिटी ड्राइव के, बावजूद उसकी ऐसी मूवमेंट के, ऐसी कार्रवाई के जो एंटी ऑस्टेरिटी थी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को रिड्यूस करने से रोकने वाली थी, कह रहे बावजूद उसके सेवरल सेक्टर्स आर वोफुली इन नीड ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे सेक्टर्स जो है ना इकोनॉमी के वो जरूरत में है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, वोफुली, वोफुली का मतलब क्या है, बुरे तरीके से, बैडली या सिवियरली, समझ गए मेरी बात को। इस चार्ज को इनको सामना करना पड़ेगा कि आपकी भले ही आपने ड्राइव या एंटी ऑस्टेरिटी चलाई है, फिर भी कई सेक्टर्स के अंदर पैसा नहीं है, आप खर्च जो है सही तरीके से नहीं कर रहे हो। हिज प्रायोरिटी रिगार्डिंग द नीड फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडेबल, उसकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वरीयता है, उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए, उस नीड के लिए, जरूरत के लिए जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की, कह रहा हिज प्रायोरिटी इज अंडरस्टैंडेबल, उसकी जो प्राथमिकता है इसको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव है यहाँ पे। द पॉलिटिकल डेडलॉक ही हैड वॉन्ड ऑफ आफ्टर संडेज इलेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड एनी कॉस्ट, तो जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, डेडलॉक क्या होता है, अभी आपने ऊपर मेरे साथ में यहाँ देखा इम्पैस देखा ना आपने मेरे साथ, इम्पैस का एक सिनोनिम है डेडलॉक, एक डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कह रहे द पॉलिटिकल डेडलॉक, सियासी डिफिकल्ट सिचुएशन ही हैड वॉन्ड ऑफ, जो कि उसने वॉन्ड ऑफ की है, कॉशन और वॉन्ड दोनों का मतलब एक ही है, चेताना, धमकी देना, जिसकी वो धमकी दे चुका है आफ्टर संडेज इलेक्शन, संडे के इलेक्शन के बाद, मस्ट बी अवर्टेड एट एनी कॉस्ट, उसको अवर्ट होना ही चाहिए, अवर्ट मतलब अवॉइड होना चाहिए, उसको अवॉइड कर ही देना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। बी अवर्टेड यहाँ पे पैसिव फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर बी बींग बीन, इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, पैसिव स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये है उसका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। तो कह रहे पॉलिटिकल डेडलॉक इसका सब्जेक्ट है, मस्ट बी अवर्टेड, इसको अवर्ट होना ही चाहिए, इस पर यही काम हो रहा है,
किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे। मिस्टर कोस्टा सीम्स बेस्ट प्लेस फॉर द टास्क। मिस्टर कोस्टा सीम्स दिखाई देते हैं सबसे अच्छे प्लेस हुए हुए, जगह पे रखे हुए इस काम के लिए। प्लेस्ड होने का मतलब क्या है, सही जगह पे हैं वो इस काम को करने के लिए, बेस्ट प्लेस्ड है इसका मतलब हुआ ये। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, एक्चुअली जो है इसको आपने एक एज एन एडवर्ब यूज़ किया है। प्लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, इसको ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है, इसलिए बेस्ट के आगे आपने द नहीं लगाया, बेस्ट लिख करके छोड़ दिया। तो मिस्टर डिकोस्टा दिखाई देते हैं सबसे अच्छे आदमी इस काम को करने के लिए, और कैसे दिखाई देते हैं कोमल बता रहे हैं, गोइंग बाय द प्लॉडिट्स ही हैज़ वॉन। गोइंग बाय उन चीज़ों को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू या बाय लुकिंग एट, देखते हुए उन प्लॉडिट्स को, उन प्रशंसाओं को, प्रेजिस को, अप्रूवल्स को, ही हैज़ वॉन, जो कि वो जीत चुके हैं। फोर लगा बता रहे किस चीज़ के लिए, बैलेंसिंग द नीड, उस नीड को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, जो नीड है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की और फिस्कल रेक्टिट्यूड की। फिस्कल रेक्टिट्यूड का मतलब क्या है, फाइनेंशियल जस्टिस। फिस्कल रेक्टिट्यूड का मतलब है फेयरनेस, राइचियसनेस। रेक्टिट्यूड से मतलब ये होता है जब आप सही काम करो, जस्टिस करो। तो ये जो है ना सबसे अच्छे प्लेस हैं आदमी इसी तरह के हैं ये, अगर इनके प्लॉडिट्स को आप देखो, इनको बहुत प्रशंसा मिली है, हमेशा से बैलेंस करते आए हैं विकास को, ग्रोथ को और फाइनेंशियल रेक्टिट्यूड को, वेलफेयर मेजर्स को भी ख़त्म नहीं करते हैं और ग्रोथ को भी नहीं रुकने देते हैं, ऐसे आदमी है मिस्टर कोस्टा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई होप कि समरी देने से शुरुआत में, और मैंने बड़े धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है, आपको इतना डिफिकल्ट ये नहीं लग रहा होगा, फिर भी लग रहा हो ना कमेंट्स में आप मुझे बताएं, आई ट्राई टू रिप्लाई देम ऑल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, जिन लोगों की आप केयर करते हैं, जिन लोगों को इनको देखने से कुछ फ़ायदा होगा। इजाज़त दें मुझे, कल सुबह फिर से मुलाकात लूँगा, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर एंड योर होस्ट अमन इज साइनिंग आउट।